Hey guys, welcome back to my channel PGPN by Anushree. I am Anushree. So, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा. आज हम करने वाले हैं होली हैक्स. आप सबको पता है होली आने वाली है और होली पे हैक्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो होली की कुछ प्री प्रिपरेशंस होती हैं जो कि हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारे हेयर स्किन कुछ भी ख़राब ना हो. सो फेस के लिए हमें क्या करना है, अपने हेयर में अच्छे से ऑयलिंग करनी है. बहुत अच्छे से हमें ऑयलिंग कर लेनी है अपनी हेयर के अंदर जिससे कि हमारे हेयर में अगर कोई भी कलर हो तो वो डिपॉजिट ना हो. ठीक है, कलर डिपॉजिट नहीं होगा तो हमारे हेयर डैमेज नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है. और हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल अपने फेस पे भी अप्लाई कर लेना है. ठीक है, ऑयल अप्लाई करने से क्या होगा, कोई भी कलर आपके फेस पे स्टेन नहीं छोड़ेगा जो कि ईजिली बाद में रिमूव हो जाएगा. तो ये बहुत ही अच्छी हैक है, प्लीज़ ट्राई करिएगा. मैं हर साल इसको ट्राई करती हूँ. सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे. तो नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास सन स्क्रीन को लेके. तो हम लोग क्या करते हैं, होली ज़्यादातर सब लोग बाहर खेलते हैं, सन एक्सपोजर होता है हम सबको. तो होली खेलने के बाद क्या होता है, स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है क्योंकि धूप में खेलते हैं, दो चार घंटे अपना धूप में ही निकल जाते हैं सभी लोगों के. तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें सनस्क्रीन लगानी है अच्छी अमाउंट में. ठीक है, आप घर से निकलने से पहले आधे घंटे पहले सनस्क्रीन अप्लाई करिए फेस पे और बॉडी पे, नेक पे, हैंड पे, जहाँ भी आप लगाना चाहें. ठीक है, फीट में अपने ख़ास तौर से क्योंकि पैर बहुत जलते हैं धूप में, तो फीट में भी लगा लें अच्छे से. लगाने के बाद लगाना है लेकिन आपको सनस्क्रीन. अब आप सोचेंगे पहले ऑयल लगाना है सनस्क्रीन लगाना है, ऑयल लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है. ठीक है, बहुत अच्छा है क्या, प्लीज़ ट्राई करिएगा, आपकी स्किन बिल्कुल भी टैन नहीं होगी ये करने के बाद. तो नेक्स्ट है मेरे पास ये आईब्रो के लिए और ईयर के लिए. हमारे आईब्रो में और ईयर में कलर डिपॉजिट हो जाता है होली खेलने के बाद जो कि ईजिली रिमूव नहीं होता है. तो उसके लिए मेरे पास क्या हैक है, आप लोग लीजिए वैसलीन. वैसलीन को अच्छी क्वांटिटी में लेके अपने ईयर में सारे में लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा अंदर की साइड भी, यहाँ पे भी लगा लीजिए, बैक में लगा लीजिए. उससे क्या होगा, कलर का कोई भी स्टेन आपके ईयर पे नहीं आएगा. यही आपको आईब्रोज पे करना है. आईब्रोज पे अच्छे से अपनी क्वांटिटी में वैसलीन लगा लीजिए. क्या होगा, आपके आईब्रोज में भी कोई कलर डिपॉजिट नहीं होगा. ट्राई करिएगा, बहुत छोटा सा है कि बट बहुत अच्छा है. सो पास नेल्स के लिए हम लोगों का क्या होता है, हम लड़कियाँ, गर्ल्स, ऑब्वियसली लेडीज़, गर्ल्स, वुमेन, हम लोग क्या करते हैं, नेल्स हम लोगों के सबके नेल्स बढ़े हुए रखते हैं, अप्रॉक्स सभी लेडीज़ रखती हैं. नेल्स के अंदर ना यहाँ पे कलर डिपॉजिट हो जाता है. तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, अंदर की साइड यहाँ पे वैसलीन अप्लाई करनी है जिससे कि हमारे नेल्स के अंदर कलर स्टेन ना पड़े कोई भी. अब आते हैं क्यूटिकल्स की बारी. तो हमारे हैंड में और थंब जो मतलब पैर के नेल्स होते हैं वहाँ पे चारों तरफ जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं यहाँ पे कलर फिक्स हो जाता है जो कि बहुत गंदा लगता है और बहुत दिनों के बाद जाता है. तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है, वैसलीन लीजिए क्यूटिकल पे, सारे में लगा लीजिए, हाथों में भी पैरों में भी. आप देखेंगे जब आप होली खेल लेंगे उसके बाद वो कलर यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा और ईजिली सोप से ही रिमूव हो जाएगा. तो बहुत काम का हैक है क्योंकि ये स्टेन ऐसा होता है जो ईजिली बिल्कुल नहीं जाता है. तो आप मेक श्योर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगा. जो नेल्स होते हैं उन पे अगर होली का कलर स्टेन पड़ जाए तो वो जब हमारा नेल ग्रो होने के बाद जब हम उसको कट करते हैं जब वो निकलता है वो किसी रिमूवर से नहीं निकलता है, किसी सोप से, शैम्पू से, किसी चीज़ से नहीं निकलता है. ये डार्क कलर की नेल पेंट हाथ और पैर के नेल्स पे, लाइट कलर की नहीं लगानी है, उससे भी स्टेन पड़ सकता है. आपको लगानी है डार्क कलर की नेल पेंट. जब आप डार्क कलर की नेल पेंट हाथ में और पैर में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे होली खेलने के बाद जो भी स्टेन होगा वो आपके नेल जो नेल पेंट होगी डार्क उस पर आएगा और जब आप उसको रिमूवर से रिमूव कर लेंगे तो आपके नेल्स एज इट इज़ होंगे जैसे नॉर्मल होते हैं वाइट. तो नेक्स्ट हैक है मेरे पास यहाँ पे हेयर को लेके. हम लोग क्या करते हैं, होली खेलते हैं, हेयर अपने खोल लेते हैं जो कि गलत है. हमें अपने हेयर को बांधना है, खोलना नहीं है. जितना ज़्यादा हम खोलेंगे उतना ज़्यादा फिर वो गीले होंगे, उनमें कलर डलेगा, वो डैमेज और ड्राई हो जाएंगे.
तो उसके लिए कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आप लोगों ने ऑयलिंग करी हुई है पहले से ही, आप या तो उसकी ब्रेड बना लीजिए या फिर आप बन बना लीजिए, लेकिन आपको खोलने नहीं है बाल बिल्कुल भी। अगर आप खोलेंगे तो और ज़्यादा डैमेज और ड्राई हो जाएंगे, तो बॉडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, होली खेलते हैं, पूरी बॉडी पे कलर आ जाता है, शॉर्ट्स पहन लेते हैं, कुछ लोग शॉर्ट ड्रेसेस पहन लेते हैं या कट स्लीव्स वगैरह पहन लेते हैं, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है। हमें क्या करना है, ज़्यादातर ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे कि हमारे हाथ वगैरह यहाँ तक बिल्कुल कवर हो जाएं और हमारे पैर भी पूरे कवर हो जाएं, जिससे कि कोई भी कलर स्टेन हमारे हाथों पे पैरों पे ना आए और कोई भी टैनिंग भी ना हो। दोनों ही चांसेस होते हैं, कलर का स्टेन तो आता जाता है, टैनिंग के भी पूरे चांसेस होते हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए बचने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं और पैरों में भी फुल कपड़े पहनने हैं, फुल मिडी पहनिए, जीन्स पहनिए, ट्राउज़र पहनिए, सूट पहनिए, इस तरीके का कुछ भी आप पहन सकते हैं। कलर नहीं आएगा बॉडी पे, जब कलर ही ज़्यादा नहीं आएगा बॉडी पे तो ज़्यादा निकालने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी, थोड़ा बहुत आएगा वो तो इजीली अपना निकल जाएगा। टिप है मेरे पास है नेल्स के लिए ही है ये भी, हम जिन लोगों के ज़्यादा लॉन्ग नेल्स होते हैं, जैसे मेरे आप देखेंगे छोटे छोटे से ही हैं जो मैंने बढ़ाए हुए हैं, कुछ लोग बहुत लंबे लंबे नेल्स रखते हैं, जैसे यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक रखते हैं, जो कि होली के लिए बहुत गलत है, वो किसी के भी लग सकते हैं होली खेलने में और वो गलती से क्रैक होकर टूट भी सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आप लोग क्या करिए, होली खेलने से पहले अपने नेल्स को ट्रिम कर लीजिए। आप बिल्कुल भी छोटे नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है उनको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, जिससे कि आपके भी चोट ना लगे, किसी दूसरे के भी चोट ना लगे। तो सब लोग क्या गलती करते हैं, आपने ऑयलिंग भी करी हुई है, सनस्क्रीन भी अप्लाई करा हुआ है, आप लोग क्या करेंगे, बार बार पानी, मान लीजिए किसी ने आप पे पानी डाला, आपका कलर लगाया, आपने फिर पानी से वॉश कर लिया अपना फेस, फिर किसी ने कलर लगाया, फिर पानी से वॉश कर लिया, उससे क्या होगा, आपका कलर जो है, जो होली का कलर आपके लगा हुआ है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, बार बार पानी से फेस वॉश नहीं करना है, होली खेल लीजिए। जब आप बिल्कुल होली खेल लेंगे उसके बाद एक ही बार का प्रोसेस स्टार्ट करिए कलर निकालने का, आप देखेंगे कलर बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप उसको बार बार हटाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। हमारी हेयर की बात हो गई, फेस की बात हो गई, बॉडी की बात हो गई, सभी चीज़ों की बात हमारी हो चुकी है, अब हमारे रह गए हैं लिप्स। तो लिप्स के लिए हमें क्या करना है, अच्छे से आपको लिप्स मॉइस्चराइज कर लेने हैं, और अगर आपको लिपस्टिक लगानी है तो मैट लिपस्टिक नहीं लगाइए, लिपस्टिक लगाइए ग्लॉसी वाली, जिससे कि आपके लिप्स सारा दिन मॉइस्चराइज रहें, और थोड़ा बहुत उसमें SPF हो तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी देर पानी में खेलने वाले हैं, लिप्स ड्राई होने का पूरे चांसेस होते हैं। तो उससे बचने के लिए अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए या फिर उसे लिपस्टिक लगाइए, बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे कि हमारे लिप्स भी ख़राब ना हो। सो अब एक नॉर्मल सा हैक है ये, अब गड़ के कलर लगाएंगे किसी के या लगवाएंगे उससे आपका फेस पे एलर्जी हो सकती है आएगा, तो फिर आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, उससे रैशेज आ सकते हैं, आपकी आईज़ में भी वो जा सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें और सेफली होली खेलें सभी लोग। सो मेरे कुछ होली हैक्स जो कि प्री प्रेपरेशंस थी होली खेलने से पहले, अगर आप ये सब प्रेपरेशन करेंगे तो आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी, आपका फेस, आपकी बॉडी, आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे। सो अब मेरे पास कुछ टिप्स हैं होली खेलने के बाद के लिए, 3-4 ही टिप्स हैं, तो अब मैं वो आपसे शेयर कर देती हूँ। तो होली खेलने के बाद आपको क्या करना है, एक तो आपको स्क्रब नहीं यूज़ करना है, सबसे पहला, पहले ही हम अपना फेस बहुत ज़्यादा रब कर चुके हैं, काफ़ी कलर उस पर चढ़ चुका है, काफ़ी पानी उस पर लग चुका है, स्किन ड्राई हो चुकी है ऑलरेडी और थोड़ी बहुत डैमेज भी हुई है ऑब्वियसली, तो हमें क्या करना है, स्क्रब नहीं करना है। अगर हम स्क्रब यूज़ करेंगे तो उससे हमारा फेस और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, इरिटेट हो जाएगा, छोटे छोटे पिंपल्स, वाइट हेड्स, ये सब निकल सकते हैं,
तो आपको क्या करना है, स्क्रब बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करिए, DIYs यूज़ करिए, फेस मास्क यूज़ करिए, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करनी है, आपको स्क्रब नहीं यूज़ करना है। या फिर आप चाहें तो DIY स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, बट मार्केट वाला तो आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, उसमें हार्ड पार्टिकल्स होते हैं स्क्रब के अंदर, जो कि आपके स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे अब हमारी बॉडी पे स्टेन आ गए हैं कलर के, हमें बॉडी को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है कलर निकालने के लिए। देखिए कलर है एक या दो दिन में ऑब्वियसली निकल जाएगा, बट कुछ लोग क्या सोचते हैं, होली भी खेली है बट कलर भी अभी निकलना चाहिए हैंड टू हैंड, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे, कोशिश भी करेंगे करने की, तो आपकी स्किन छिल सकती है, इरिटेट हो सकती है, रैशेज आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपके बॉडी पे कहीं पे भी, हाथ पे, पैर पे कलर ऐसा आ गया है, आपको हटाना है, तो आप एक दो दिन का वेट करिए, वो खुद ही हट जाएगा धीरे धीरे, बट स्किन को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है हमें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैंड से हम अपनी स्किन क्लीन करनी है हेयर की। अब कुछ लोग क्या करते हैं, होली खेलने में ना बालों के अंदर कलर डाल देते हैं, कलनी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कलर हमारे स्कैल्प में डिपॉजिट हो जाता है, तो वो निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, शैम्पू एक बार यूज़ कर लिया नहीं निकला, फिर दोबारा शैम्पू यूज़ कर लिया नहीं निकला, फिर मतलब दो तीन बार या तीन चार बार ऐसे हम शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, जो कि गलत है। हमारे हेयर पहले ही ड्राई हो गए हैं, ऊपर से उनमें कलर चला गया है, हमें ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, आपको एक DIY मास्क बना लीजिए जो भी आपको सूट करता हो। आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी बहुत सारी, एक हेयर पैक तो मैंने भी डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो आप DIY हेयर मास्क अप्लाई कर लीजिए स्कैल्प में अपने, ठीक है, जब वो आप लगा लेंगे तो आपका कलर थोड़ा सा तो उसी से निकल जाएगा जब आप उसको वॉश करेंगे, उसके बाद आप शैम्पू यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें निकल जाएगा, तो आपको बार बार शैम्पू यूज़ नहीं करना है। और DIY आप अगर हेयर पैक लगाएंगे तो उसके बाद भी थोड़ी सी नीड कम हो जाएगी शैम्पू यूज़ करने की, और जब आप नेक्स्ट टाइम शैम्पू करेंगे थोड़ा बहुत कलर उसमें निकल जाएगा, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आज ही सारा कलर निकाल देना है हेयर में से, चाहे हमारे बाल सारे ख़राब हो जाएं शैम्पू यूज़ कर करके, तो ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद कंडीशनर ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि हमारे बाल ड्राई हो गए हैं और अब हमें थोड़ी बार उनकी अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, तो वो पहले जैसे हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन, और अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।